नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक वक्त पर लेफ्टिस्ट और नक्सली सोच से प्रभावित थे, ये खुलासा उन्होंने खुद किया। विवेक के मुताबिक एक समय पर उनकी सोच नक्सलियों और वामपंथियों की तरह थी, लेकिन वक्त के साथ उनकी विचारधारा बदल गई। विवेक का कहना है कि अगर आप हर चीज़ का विरोध करते हैं तो एक समय पर आप खुद निराशावादी हो जाएंगे। विवेक ने यहाँ JNU पर बात की। उन्होंने कहा कि JNU में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया जाता है, वे सिर्फ एक क्रिटिक बनकर रह जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री पिछले कुछ सालों से राइट विंग विचारधारा को लेकर काफ़ी मुखर हैं। उन्होंने अर्बल नक्सल नाम से एक बुक भी लिखा हुआ है। विवेक से पूछा गया कि क्या JNU में पढ़ाई के दौरान उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आया। फर्स्ट पोस्ट से चर्चा करते विवेक ने कहा, मेरा DNA थोड़ा अलग है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे कोई इंस्टीट्यूट शेप दे ना सके। मैं हार्वर्ड भी जा चुका हूँ। एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर कोई घोड़ा हार्वर्ड जाता है तो वो घोड़ा बनकर ही बाहर निकलेगा, वहीं अगर कोई गधा हार्वर्ड जाएगा तो वो गधा ही वापस आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकता। अगर ऐसा होता है कि ये उस इंस्टीट्यूट या संस्थान की विफलता होगी। संस्थान को किसी के सोचने का नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।